हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी मेरे सारे कपड़े धुले जा चुके हैं। मैं मशीन सुबह में बहुत जल्दी लगा देती हूँ। रोज़ तो कपड़े धुलने के लिए मशीन नहीं लगाती हूँ, दूसरे दिन लगाती हूँ और मैं सुबह में ही जल्दी ही कपड़े धुल लेती हूँ। एक तो गांव की लाइट का कोई पक्का नहीं होता कि पूरे दिन चलती है, और अब गर्मी में लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब भी आ रही है, तो पता चल जाता है रोज़ में ही कि किस टाइम लाइट जाएगी। तो इसी वजह से मैं सुबह में अपना जल्दी कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा देती हूँ, और जल्दी जल्दी अपना ये काम भी निमट जाता है। फिर गर्मी भी काफ़ी होने लगती है, इसलिए इससे अच्छा है अपना सुबह में जल्दी उठो और जल्दी अपने काम में लग जाओ। तो आज मैं रोज़ जिस टाइम उठती हूँ उससे कुछ ज़्यादा जल्दी उठी थी, क्योंकि जो रोज़ रूटीन का काम है वो तो है ही मेरे पास, वो तो होता ही है रोज़ का सभी के पास करने के लिए, लेकिन मुझसे उससे अलग भी आज काम करना है जिसमें काफ़ी सारा टाइम मेरा जाने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा था जल्दी उठ जाऊंगी और जल्दी ही अपना सारा काम निपटा लूंगी। अगर देर से उठते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मी काफ़ी होने लगती है। तो यहाँ पर मेरे बस सारे कपड़े धुले गए हैं, बस अभी मशीन को धुलना बाकी रह गया है। और मैंने दोपहर के खाने के लिए भी जो बनाना है, मुझे राजमा बनाना है दोपहर के खाने में आज, वो भी उबलने के लिए रख दिया है। तो जब तक मैं अपना ये वाला काम निपटाऊंगी तब तक मेरा राजमा उबल जाएगा, क्योंकि राजमा उबलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज मुझे ये काम करना है जो रोज़ नहीं होता, वो ये काम है मेरा। आज मुझे गेहूँ धुलने हैं, तो गेहूँ धुलने में काफ़ी सारा टाइम जाता है, मेहनत का काम है भाई, तो टाइम तो लगता ही लगता है। वैसे इतने ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से ही हैं, लेकिन इन्हें धुलने में भी टाइम तो लगेगा ही। और अभी पानी भी चल रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी से इसीलिए अपना और जो काम है वो निपटा लिया, क्योंकि इनमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर नल से धुलने लगे पानी चलाकर तो हालत ख़राब हो जाती है। तो बस टंकी आ रही थी, मैंने पाइप लगा दिया, तो जल्दी जल्दी से बस पानी चलता रहेगा और मैं बस इन्हें धुल दूंगी। और धूप का तो ये देखिए फ़ायदा ये है कि गेहूँ धुलने में, जल्दी धुलने में ये फ़ायदा है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है, सुबह में इन्हें जल्दी ही धुल कर डाल दूंगी तो ये जल्दी सूख भी जाएंगे। वैसे 2 दिन तो लगने ही लगने हैं, लेकिन अगर थोड़ा देर से धुलूंगी तो और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें भी जल्दी ही धुलूंगी तो पूरा दिन की अच्छे से इन पर धूप निकल लग जाएगी, तो आज सूख जाएंगे कुछ। और वैसे तो इतनी तेज़ धूप है, एक दिन में ही अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन मैं 2 दिन तक तो इन्हें सुखाऊंगी ही, थोड़ी बहुत नमी जो रह जाएगी वो 2 दिन में तो बिल्कुल अच्छे से सूख जाती है। तो वैसे ये गेहूं बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, थोड़ा सा ही इनमें कूड़ा वूड़ा था जो रहता है गेहूं में, बिल्कुल साफ थे। इन्हें ज़्यादा टाइम वैसे लगेगा नहीं, लेकिन बहुत से गेहूँ बहुत ज़्यादा गंदे आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है धुलने में, तो ये साफ़ भी थे, ज़्यादा गंदे नहीं थे। और धुलकर ये होता है कि धुलकर ये तसल्ली हो जाती है कि इनमें बिल्कुल भी कुछ रहा नहीं, मिट्टी विट्टी अच्छे से साफ़ हो गई, और हो भी जाते हैं इतना, जैसे हम छाछ से साफ़ करते हैं ना फटक कर, तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें इतना बारीकी से करना पड़ता है, फिर भी थोड़ा बहुत कहीं रह जाता है, ऐसा मन में रहता है कि इनमें रह जाता है। जितना अच्छा धुलने से होता है उतना अच्छा छाछ से साफ़ करने में नहीं होता। तो जब तक कि गर्मियों में अच्छी धूप निकल रही है, बरसात होने लगती है तो फिर भी बारिश होने लगती है तो धूप भी नहीं निकलती, कभी कभी कई दिन तक बरसात होती रहती है, बारिश पड़ती रहती है, तो तब भी रह जाता है, तब भी हाथ से छाछ से ही साफ़ करने पड़ते हैं। और सर्दियों में तो होते ही नहीं है, ऐसे धुले जाते ही नहीं है, क्योंकि सर्दियों में तो भाई धूप निकलती ही नहीं है। और गर्मियों गर्मियों में जब भी मैं आटा पिसवाती हूँ तो ऐसे ही गेहूं को अच्छे से धुलकर सुखाकर उन्हें तब पिसवाती हूँ। तो धुलने से फ़ायदा ये हो जाता है, बहुत अच्छी नरम नरम रोटियां बनकर आती हैं, धुले हुए गेहूं का जो आटा बनता है उसकी जो रोटियां होती हैं बहुत अच्छी सी नरम नरम मुलायम मुलायम होती हैं, और सफ़ेद भी ज़्यादा होती है इतनी। अगर हम छाछ से जैसे साफ़ करते हैं, धुलते नहीं हैं, उसकी रोटियां इतनी सफ़ेद नहीं होंगी जितनी कि धुलने के बाद आती हैं। तो मेहनत तो देखो थोड़ी ज़्यादा लगती ही है, तो उसके मेहनत के बाद जो रोटियां होती हैं ना अच्छी अच्छी नरम नरम, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ अपना, जब तक धूप रहेगी गर्मी गर्मी, अपना गेहूँ को ऐसे ही धुलकर तभी पिसवाती हूँ। वैसे तो अभी मेरे एक बार के जो आटा पिसवाने के गेहूँ है वे धुले हुए रखे हैं, मैं ऐसे ही रखे रहती हूँ और ये भी अब धुलकर रख दूँगी, तो 2 बार के पिसवाने के आटा हो जाएंगे मेरे, तो बस इन्हें अच्छे से धुल लेती हूँ।
तो मैंने गेहूं को धुलकर और ये एक जगह देखिए यहाँ पर डाल दिए थे, तो अभी तक इनका सारा पानी अच्छे से निकल गया है जो इनमें पानी था। अभी थोड़े थोड़े से देखो सूखे सूखे से लग रहे हैं, लेकिन अभी इनका पानी ही निकला है। तो यहाँ तो मैं इन्हें डालूंगी नहीं, इन्हें मैं दो ये दो फेरों में चले जाएंगे, इन्हें मैं ऊपर छत पर डालकर आऊंगी। छत पर ऊपर चारपाई है, चारपाई पर कपड़ा बिछाकर उसके बाद उस पर डालूंगी मैं। तो वहाँ पर तो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, बहुत तेज़ है। तो ये प्लास्टिक का छोटा सा पाल का एक टुकड़ा है जो मैंने गेहूं सुखाने के लिए ही बला कर रखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं चारपाई पर इन्हें बिछा दूंगी, इसके ऊपर गेहूं डाल दूंगी। वैसे बेड की चादर भी डाल देती हूँ, लेकिन आज कोई बेड की चादर ऊपर थी नहीं, नीचे रखी हुई है सारी, जो पुरानी हो जाती है वो। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने चारपाई पर बिछा दिया है, और बस एक ही ये जो तसला है एक ही डालूंगी, और दूसरा जो है वो दूसरी चारपाई पर डाल दूंगी, क्योंकि ज़्यादा फिर मोटे हो जाएंगे तो अच्छे से धूप नहीं लगेगी। तो दो दो चारपाई पर डालूंगी तो बहुत अच्छे से बारीक करके, तो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है, धूप में तो रुकना 5 मिनट भी अगर रुक जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। और बहुत अच्छा छत पर ये फ़ायदा है, पूरे दिन की बहुत अच्छी धूप लगती है। घर में तो पहले मैं घर में ही सुखा लेती थी, लेकिन अब जब से फाइबर लगवा दिया है यहाँ पर अच्छे से धूप आती नहीं है, तो इसलिए अच्छे से नहीं सूखते यहाँ पर। तो गेहूँ मैंने सारे ऊपर डाल दिए, उसके बाद मैंने मशीन वशीन का जो काम था कपड़े निकाल कर, मैंने उसका पानी ही निकाला था, अच्छे से धुली नहीं थी। उसके बाद मैंने वो भी साफ़ कर दी और बाहर आंगन भी सारा साफ़ कर दिया, और मेरा राजमा उबल कर हो गया है अच्छे से तैयार। इतने मैंने अपना वो काम निपटाया सारा, और बस अब आ गए हैं भाई किचन में। अब राजमे को करते हैं छोकने की तैयारी। तो मैं टमाटर निकाल लाई हूँ, प्याज भी मैंने छील ली है, तो इन्हें बस मैं इसमें चॉप कर लूँगी चॉपर में। और वैसे मैं मिक्सी के उस मिक्सी में पीसती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी इतनी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब ले रखा है तो इसमें कर लेती हूँ। तो बस आज मैं मिक्सी नहीं चला रही, जल्दी जल्दी से बस इसी में कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम तो गेहूँ में ही चला गया। फिर मिक्सी में इसलिए नहीं चला रही क्योंकि इस टाइम तक लाइट चली गई थी, और पता नहीं इन्वर्टर में क्या हो रहा है, वैसे बैटरा फुल चार्ज हो जाता है लेकिन इन्वर्टर मिक्सी नहीं चलाता, वो बंद हो जाता है बीच में ही। तो एक प्रॉब्लम ये है, इसलिए मिक्सी नहीं चला रही। और वैसे इतनी ज़्यादा प्याज और टमाटर नहीं है जो मिक्सी चलानी पड़े, बस इसी में कर लूँगी अच्छे से बारीक। और चलिए बस यहीं पर कर लेते हैं हम वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलती हूँ मैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बोल देते हैं बाय बाय।